जिस सिस्टर का नाम रिम्पी है, जी अमृतसर वल्ला गांव के रहने वाले हैं। प्रेज जी सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, और जिस सिस्टर की गवाही जी इनकी बेटी की है कि 2 साल से इसके पेट में बहुत दर्द रहती थी और जी बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रही थी, और 3 महीने हो चुके थे कि जी मेडिसिन बहुत ज्यादा खा रही थी बेटी, क्योंकि इसका जो इनके मदर तो विश्वास करते थे, पर जैसे जी इसके दर्द होती थी पर इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ में देकर जिसको मेडिसिन लेकर दे रहे थे, और लगातार जो 3 महीने से मेडिसिन खा रही थी, और दर्द के कारण इसका जो पेट था वो भी फूल चुका था। पहले हम उस पिक को देखते हैं, और इसका बहुत सारा ऐसे पेट फूला हुआ था, और जो बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रही थी और कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था मेडिसिन खाने के बावजूद भी। और जैसे ही जिस सिस्टर से डॉक्टर के पास जा रहे थे तो डॉक्टर ने इनको बोला कि पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ, जितनी मेडिसिन खाने के बावजूद भी ये दर्द रुक नहीं रही। जैसे इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, पहले हम उन रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो जैसे इन्होंने जी अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में जूम करो और कैमरा जूम करो, जूम करो, रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट जहां पे लिखा है नीचे करो, सही से दिखाओ, हाँ रिपोर्ट दिखाओ पूरा, हाँ ये देखो, ये ठीक है, हाँ हाँ बताओ। तो जैसे डॉक्टर ने बताया इसके पेट में बहुत सारी अनगिनत छोटी छोटी गिल्टियां हैं जिसके कारण इसका ऑपरेट होगा। सबसे पहले हम उस पिक को भी देखते हैं, और इसके पेट में बहुत सारी छोटी छोटी अनगिनत गिल्टियां थी जिसके कारण जो बेटी बहुत परेशान थी, और डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेट होगा फिर जो गिल्टियां अच्छी हो पाएंगी। और जी जैसे ही जो बहुत परेशान थे, और जो सिस्टर ने प्रभु के दास के साथ पर्सनल अलग मीटिंग की, और जैसे इन्होंने प्रभु के दास के साथ मीटिंग की, उन्होंने प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया, और जैसे इन्होंने जो विश्वास में बने रहे, और जो विश्वास में बने रहे, और जैसे ही जो मीटिंग में आ रहे थे और प्रभु के दास के द्वारा इस बेटी के लिए ले हैंड हुई, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। छुटकारा 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 छुटकारा। और जैसे ही इस बेटी के लिए ले हैंड हुई, और जब बता रहे कि जे धन्यवाद में बने रहे, और 3 महीने में जो इसकी बहुत सारी गिल्टियां थी वो ऐसे खत्म होनी शुरू हो गई। और जैसे जी सिस्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने बताया कि जो गिल्टियां थी वो बिल्कुल नॉर्मल है, अभी इसके पेट में कोई भी गिल्टी नहीं है, कोई भी दर्द नहीं रहती, और डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर इन्होंने बताया कि हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण हमारी आज परमेश्वर ने गवाही को बनाया, और ये आज बिल्कुल इन गिल्टियों से बेटी को सुनो, सुनो मैं आपको बताता हूँ। जब भी इस बेटी को प्रॉब्लम हुई तो ये लगातार मेडिसिन खा रहे थे, क्या अपनी बेटी को मेडिसिन खुवा रहे थे 3 महीने तक, 3 महीने तक है ना, 3 महीने तक इन्होंने अपनी बच्ची को मेडिसिन दी, पर कोई भी कुछ भी मेडिसिन से कोई भी कुछ नहीं हुआ, समझ आ रही, और वो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, क्या रही, और दर्द बढ़ रही थी। फिर उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने कहा आप अल्ट्रासाउंड कराओ, और अल्ट्रासाउंड कराया, और उसमें क्या आई, अनगिनत छोटी छोटी गिल्टियां, क्या था पूरा पेट इसका, देखा ना अभी पिक में फूला हुआ था। और इन्होंने मेरे से बात की और मैंने कहा आपका क्या विश्वास है, ऑपरेशन कराना चाहते हो कि चाहते हो कि परमेश्वर ऐसे मुझे अच्छा करे, ये कहते हैं हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसे, और उस दिन मैंने उत्साहित किया, मैंने कहा फिर बने रहो और धन्यवाद, और उस दिन मीटिंग में आए और खुदा के आत्मा ने ले हैंड के द्वारा इस बच्ची को छुआ और इन्होंने विश्वास किया। डॉक्टर भी इस बात को सुनकर जब नॉर रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान है, कहती ये कैसे हो सकता है, ये ऑपरेशन से होना था, क्योंकि आपने 3 महीने मेडिसिन आई कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, आप कहां पर गए हो, क्या क्या आपने खुवाया इसे, क्या किया, समझ क्या नहीं थे देते,
माइक की आवाज नहीं, माइक की जी पापा जी सानू रिपोर्ट नहीं दें दे, कहें दे हो किता क्या ए पॉसिबल नहीं है। ये देखो इनको रिपोर्ट नहीं दे रहे थे, कहते ये दोबारा चेक करेंगे, लगता है ऐसे हो नहीं सकता, रिपोर्ट नहीं दे रहे, दोबारा कराएंगे। हाँ पापा जी उन्होंने दोबारा फेरे दी अल्ट्रासाउंड की थी। देखो फिर दोबारा की, क्या की दोबारा, फिर दोबारा की, क्योंकि जो काम मनुष्यों से नहीं किससे होता है, परमेश्वर से। उस डॉक्टर जीसस के लिए और इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े चमत्कार के लिए, मेरे यीशु जी दे जोर दी सब हाथों को उठाते हुए, मेरे यीशु अपनी गवाही के लिए, मैंने कहा इस गवाही के लिए और अपनी गवाही के लिए, मैंने कहा इस गवाही के लिए और अपनी गवाही के लिए, हाथों को उठाते हुए छूटते हुए जीसस के लिए तारीफ करो।